2024 की चुनावी पिच तैयार हो चुकी है। राजनीतिक दल बैटिंग और फील्डिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हर एक राज्य को साधने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन और बीजेपी के एनडीए के बीच मुकाबला सीधा सीधा होने वाला है। सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। सभी का लक्ष्य दिल्ली की कुर्सी हासिल करना है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सम्मेलन आयोजित करने वाली है, जिसे लेकर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है, जिससे बीजेपी अपने ही अभियान में फंस सकती है। तो क्या कहा है पूर्व सीएम ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का ही समय बचा हुआ है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों ने हुंकार भर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सत्ता पर बैठी बीजेपी 2024 के आम चुनाव को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की राह पर फूक फूक कर कदम रख रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से सम्मेलन का आयोजन करने वाली है, जिसे लेकर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मोदी और बीजेपी की राजनीति पर निशाना साधा है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान पर निशाना साधते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, @BJP4India और @PMO India, जय श्री राम से शुक्रिया मोदी भाईजान कह रही है। क्या वाकई में भाजपा बदल रही है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? इसका जवाब केवल @RSSORG मोहन भागवत जी ही दे सकते हैं। बीजेपी के इस अभियान को लेकर अब दिग्विजय सिंह ने सवाल किए हैं कि क्या सच में बीजेपी मुस्लिमों के लिए सोच रही है या सिर्फ वोट बैंक के लिए ही ऐसा कर रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान शुरू किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में बीजेपी ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।